भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई अपना तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर शनिवार को अपने परिसर के नालंदा हॉल में आयोजित करेगा। इस मौके पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी और दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये माननीय राष्ट्रपति की संस्थान के साथ साथ भिलाई की पहली यात्रा होगी। इस तरह यह यात्रा केवल संस्थान नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखने का इतिहास बन जाने वाली बात है। ये गौरवपूर्ण बात है कि स्वयं महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति भारत जो कि आ रही हैं, ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है जो कि यहाँ पर वो आ रहे हैं और उनके साथ हमारे राज्य के विशिष्ट जन, विशिष्ट अतिथि लोग भी रहेंगे, जिसमें जैसा मैंने कहा राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और उनके साथ के और भी बहुत से टीम के लोग रहेंगे। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में IIT भिलाई के 30वें और 4थे दीक्षांत में छात्र छात्राओं का दीक्षा प्राप्त करना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मीडिया कवरेज के लिए एक नेशनल चैनल और हमारा IIT भिलाई का अपना डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होगी, जो कि हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे हॉल के अंदर से। स्टिल फोटोग्राफी भी की जाएगी, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान भी आप लोग, जो आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप पर डाल दिया जाए। और प्रोग्राम में हम शामिल रहेंगे 12:30 बजे के बाद का जो प्रोग्राम रखा गया है वो एक विस्तृत प्रोग्राम है, जिसमें कि सारे लोगों को डिग्री देना और भी, जैसा कि आप लोगों ने अभी बात कही कि छात्र छात्राओं से उनका इंटरव्यू लेना, किस तरह की उपलब्धियाँ, किस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं, यहाँ से अब वो अपने अपने कार्य करके पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी वो गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ उनका इंटरव्यू के रूप में आप लोग ले सकते हैं। सर, किस तरह की खास तैयारी रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं, कैसा होगा ये? 26 अक्टूबर को IIT भिलाई का तीसरा और चौथा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह रखा गया है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी, क्रमशः चीफ गेस्ट और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कन्वोकेशन में की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। नालंदा हॉल IIT भिलाई में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कुल 396 डिग्रियां दी जाएंगी वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के छात्र छात्राओं को। 8 पदक मेडल स्वयं माननीय राष्ट्रपति जी देंगी, जिसमें इंस्टीट्यूट मेडल और डायरेक्टर मेडल शामिल होगा। इसके अलावा जो भी डिग्रियां हैं, मास्टर्स, बीटेक और PhD की, वो प्रदान की जाएंगी मुख्य कार्यक्रम के बाद। सर, IIT भिलाई में किस तरह की